हम आप सब लोगों का थैंक्स कहना चाहते थे, आज आप लोगों की वजह से हमारा YouTube परिवार 2 लाख तक पहुंच गए, यानी कि हम बहुत लोगों तक अब अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। और साथ ही में हमको आप सभी की वजह से पिकनिक में आने का मौका भी मिला। हमारी पूरी मीडिया टीम यहाँ पे पिकनिक मना रही है, लेकिन शुभम जी जिन्होंने हमारा YouTube को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया वो यहाँ पे नहीं है। सो वी मिस यू शुभम जी एंड होप वी कैन सी यू अगेन एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स शुभम। सुबह सुबह हमारे पास लुधियाना से ये छोटा सा बच्चा आया है, इसको भेजा नरेंद्र जी ने, और इसको पिछली एक टांग पे फ्रैक्चर है। उन्होंने शायद कोशिश की थी इसको कहीं और ट्रीटमेंट दिलवाने की वहीं पे लुधियाना में, पर शायद वो ट्रीटमेंट काम नहीं आया इसकी, तो नरेंद्र जी ने इसको हमारे पास भेज दिया। और नरेंद्र जी ने इस बेबी को इस बॉक्स में भेजा था, और ये इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने पैक किया, तो ऊपर से बढ़िया होल्स बनाए थे ताकि ये सांस ले सके आराम से, हर जगह होल्स बनाए पीछे भी। बस दिक्कत ये हुई कि जब उन्होंने इसे हमारे पास भेजा तो उन्होंने हमें कॉल नहीं किया, ज्योति को कोई कॉल नहीं आया उनसे, तो हमें पता ही नहीं था कि इतनी दूर से कोई पपी आ भी रहा है हमारे पास। 3 से 4 दिन पहले कॉल किया था इस पपी के लिए, क्योंकि वो हमारे रेस्क्यू रेडियस से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैंने उनको हमारा ह्यूमन हेल्पिंग एनिमल जो कि लोकेशन बेस्ड ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर दिया था, एंड वहाँ पे उन्होंने बात की और ट्रीटमेंट तो करवाया, लेकिन वो मतलब उनको लगा कि बेटर ट्रीटमेंट यहाँ हो पाएगा इसलिए उन्होंने यहाँ भेज दिया। लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, मुझे बताया नहीं था, एंड वो लोग इतना लंबा ट्रैवल करके सुबह सुबह 8:30 यहाँ पहुँच गए थे। हालांकि ये पपी है इसलिए हमने इसे ले तो लिया, क्योंकि पपी के लिए तो हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एक पपी को मैं खुद फॉस्टर कर रही हूँ अभी, इसलिए आइसोलेशन का जगह हो गया है। धूप और शाइनी की मिलती जुलती जोड़ी, जैसे शाइनी 24 घंटे करती रहती है, यार भूख लगी कुछ खिला दो प्लीज खिलाओ, वैसे धूप करती रहती है म्याऊ म्याऊ, जब देखो फीड मी, सेम टू सेम शाइनी के ऊपर गई है। राधा दीदी कोई मौका नहीं छोड़ती है मुझे कोसने का। आज हमारे परिवार में एक और सदस्य जुड़ रहा है, मो की जो बहन है करली, वो तो हो गई है अडॉप्ट। मो को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आज हम देखने आए हैं कि ये स्पॉट और चंबी के साथ कैसा बिहेव करेगी। स्पॉट और चंबी वैसे तो मो को काफ़ी जानते हैं, ये लोग जब वॉक पे जाते हैं। मो एक्चुअली स्पॉट की एक्स है, बट देर स्टिल ऑन कॉर्डियल टर्म्स अनलाइक सम पीपल। हमें यही चेक करना था कि कोई दंगा फसाद ना हो जाए, हम लोग तो करेली गए होंगे और पीछे से ऐसे ना हो मार काट मच जाए। ये तुषार कुछ होप कर रहा था कि कुछ फायर वर्क्स होंगे, कुछ बढ़िया फुटेज मिलेगी। हे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये इतना छोटा कैसे केला लगा यहाँ। एक बार फल जरूर देता भैया केला, अब फिर काट दो दोबारा फिर दे गई। मुझे ये तो पता था कि केला जो है सिर्फ एक बार ही फल देता है, मुझे ये नहीं पता था कि ये एक बार ही देगा ही देगा। आपने बहुत सारे एनिमल्स को बहुत सारे कर्तव्य करते हुए देखा होगा, पर क्या आपने बेटी जी को इस स्टाइल में सोते हुए देखा है? ओह नो, सॉरी बेटी जी, सॉरी। वेनु अभी कल के लिए वीडियो एडिट कर रहा है, और वो बेसिक लाइनअप कर लेगा, थोड़ी सी एडिटिंग कर देगा, और चैतन्य हैज गॉन टू शूट अ रेसिपी। तो वंस वो वापस आ जाए तो ये दोनों कोलैबोरेट करके वीडियो पे काम करेंगे। इट वाज रॉबिन्स आइडिया कि हम थोड़ा फिल्म मेकर्स को एक साथ काम कराए ताकि सबके स्किल सेट्स बढ़े। दूसरा रेस्क्यू हमारे पास आया है हमीरपुर से, इसका नाम है लियो, और इसके भी कान के ऊपर मैगेट बना। ओह माय गॉड, इसका तो कान ही खत्म है पूरा। और इसके लिए मुझे अनुराग जी ने कॉल किया था, और वो काफी टाइम से इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन ये क्या करता था, इसको जब घर में रखते थे ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो ताकि, तो ये बहुत रोता था रात भर, और फिर नेक्स्ट डे भाग जाता था और 2-3 दिन तक लौटता नहीं था, तो इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट हो नहीं पा रही थी ठीक से। और जो घाव है कान से लेके पूरे गले तक छोटे छोटे होल्स हो चुके थे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मैगेट थे, तो इसलिए बेटर लगा कि इसको यहाँ शिफ्ट करके, क्योंकि ये जल्दी हील हो सकता है। अभी मैं और संजय भैया जा रहे हैं जो हमारे बाहर बंगलोज बन रहे हैं ना उनकी तरफ, मैं आपको उनकी प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ। बाप रे, यहाँ तो खुदाई हो रखी है। ये एक्चुअली वो गड्ढा है, यहाँ से हमने मिट्टी निकाली थी ना, जिसकी ईंटें बनी हैं और जो गारे में यूज़ हो रही है, फिर इसी खड्डे को ही JCB ने बड़ा कर दिया, यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनेगा। वैसे तो कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं, पर कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट्स मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यहाँ पे तो रहना है भाई, जो हमारी टीम आएगी वो सारे बच्चे होते हैं वो नहीं ध्यान रखते, तो सेप्टिक टैंक इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। अब देखिए चुनाई काफ़ी हद तक हो गई है, ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर तो बन ही गया, वैसे तो एक ही फ्लोर के हैं, पर ये जो ऊपर पिलर निकाले हैं
क्योंकि यहाँ पे लॉफ्ट बनेगा। अब ये जो खिड़कियाँ हैं हमें पुरानी मिल गई थी, तो हमें ग्रिल वगैरह नहीं बनवानी पड़ी और लकड़ी भी इसके लिए नहीं कटवानी पड़ी। चौखट के लिए हमने चील या पता नहीं संजय भैया को पता होगा कौन सी लकड़ी ली है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सीमेंट का प्रयोग हुआ नहीं, बहुत मिनिमल हुआ है। जो पीछे लाल ईंट की दीवार है बाथरूम की और किचन की, वहाँ हुआ है। और ये जो लिंटल बैंड होता है, आई डोंट नो मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, वो जो है वो उसमें सरिया डला है और बजरी अपना डली है। ये लेयर बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि भाई अगर अर्थक्वेक के केस में दीवार में क्रैक्स आते हैं तो वो इस लेवल पे जाके रुक जाएंगे। आज मीमी के लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज फाइनली उसका हेयर कट होने वाला है। इतनी ज़्यादा भारी गर्मी पड़ रही है और इसका ऊन भी बहुत बढ़ चुका है, तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और इसकी डिप्रेशन का कारण भी बेसिकली यही है कि इसको गर्मी बहुत लगती है। मीमी कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे इसका काफ़ी हेयर कट हो गया है। मीमी इतनी खूबसूरत लग रही है, मैं आपको क्या बताऊं? ये देखिए, हाय मीमी, तुम तो बहुत छोटी सी हो गई हो मीमी। आपको अहिल्या याद होगी जो हमारी रेजिडेंट काओ बन गई है, क्योंकि जब ये आई थी तो इसका पैर पूरी टांग ये फ्रंट वाली सड़ी हुई थी और हमें ये टांग पूरी एम्पूटेट करनी पड़ी थी। डॉक्टर अंकित ने इसकी सर्जरी की थी। अभी अहिल्या की कंडीशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई है। तो अहिल्या के साथ शुरुआती दिनों से कुछ ना कुछ होता रहा है, बच्चा बॉट हुआ इसका और अब इसको रिसेंटली जो है वॉट्स आ गए इसकी स्किन पे। सर ये वॉट्स होते क्या है? वॉट्स जो है वो मस्से होते हैं, जो स्किन होती है या म्यूकस फैमरे होते हैं ना, उसके ऊपर एक आउटर ग्रोथ आ जाती है। तो उसको जो है ठीक करने के लिए हम जो है थोड़ा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, कई बार सर्जिकल भी करते हैं और कई बार जो है हम ऑटोइम्यून थेरेपी को भी यूज करते हैं। मैं हूँ ज्योति के साथ और एक न्यू बिल्लू के साथ। ये अभी अभी हमारे पास आई है, तो इसको हमारे ही गाँव के दो बच्चे हैं वो लेके आए थे। इसकी मॉम की डेथ हो गई है एंड वो लोग उसको डेड बॉडी को तो उन लोगों ने हटा दिया, बच्चा उसके पास ही था और डॉग्स इसके पीछे पड़े हुए थे ना, तो दो छोटे छोटे बच्चों ने इसको बचाया है ना, और यहाँ लेकर आए हैं। दैट वाज वेरी स्वीट एंड हाय, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। हमारे पास ना बहुत सारी किटन्स हो गई हैं अब, तो आप जल्दी से हमारे ना जो हमारा जो पेज है peoplefarm.org/adopt, वहाँ पे हमारे सारे जितने हमारे पास बच्चे हैं अडॉप्शन के लिए, आप वहाँ पे जाके देखिए। ये भी बहुत जल्दी अडॉप्शन पेज पे जाने वाली है। म्याऊ। और ये है धूप जो बहुत जल्दी जाने वाली है परमिता जी के पास दिल्ली में। परमिता जी कुछ ही दिनों में आके इसको पिक करने वाली हैं और फिर ये जाएगी अपने फॉरएवर होम। और ये धूप के पड़ोस में है हमारी किरण। ओ हाय, इसका भी इलाज चल रहा है और ये बहुत जल्दी अडॉप्शन के लिए लिस्ट हो जाएगी ठीक होने के बाद। ये देखिए, डॉक्टर अंकित को एक और किटन मिल चुकी है पैम्पर करने के लिए। डॉक्टर अंकित आपको कैसा लग रहा है? हमारे पास किटन की भरमार हो गई ऑफिस में, सॉरी किटन हाउस बन जाए सारा ये। और मैं इनका डॉक्टर। ज्योति करने वाली है फॉस्टर। ज्योति ने पहले से ही डिब्स बोल लिया है कि ज्योति करेगी इसे फॉस्टर। आई थिंक ज्योति जितने भी न्यू छोटे छोटे किटन या पपी जाते हैं, आइसोलेशन एरिया नहीं है ना, तो इसलिए अब चाहे किटन हो चाहे पपी, वो पहले वो ज्योति के घर में ही जी शुरुआती दिन बिताते हैं। अभी अभी डॉक्टर साहब ने ज्योति को ये बताया और ज्योति ने मुझे ये बताया कि धूप और किरण बच्चियाँ नहीं बल्कि बच्चे हैं, मतलब फीमेल्स नहीं मेल्स हैं। तो किटन्स में शायद काफ़ी मुश्किल होता है ये बताना कि वो मेल्स होते हैं या फीमेल्स, तो काफ़ी दिन बाद हमें पता चल पाया है कि वो मेल्स है फीमेल्स नहीं। मैं आपको बताती हूँ मीडिया ऑफिस में एग्जैक्टली चलता क्या है। तो हमारा 11 o'clock फेसबुक और इंस्टाग्राम के पोस्ट चले जाते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब के वीडियोस कब जाते हैं अमन? 1 p.m. और 8 p.m. क्योंकि तब सबसे ज़्यादा लोग हमारे एक्टिव होते हैं सब्सक्राइबर्स। जब भी हमारे यूट्यूब के वीडियोस रिलीज़ हो जाते हैं हम उसे टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो अगर आपको हमारे यूट्यूब के कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना है तो आप प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए t.me/peoplefarm। आज बहुत अच्छा दिन हमारे पीपल फार्म में, ज़्यादा धूप भी नहीं है ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और हमारे सारे एनिमल्स विश्राम कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये टोफू जी गायों के मैट्रेस को चाटते हुए, टोफू आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई करना चाह रही हो है ना, चलो गुड।
हाय चुलबुलू, चुलबुली की भी स्पेस सर्जरी हो चुकी है और ये अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। जिस पल का जॉर्जी को बेसब्री से इंतजार था वो आ गया। शिवेंद्र जी फाइनली जॉर्जी को अडॉप्ट करने आए हैं दिल्ली से, और इसके लिए मुझे चबा भी रहा है। बहुत प्यारी सी एक गुडी भी लेके आए हैं जो इसने गले में पहनी है, और ये तो बहुत खुश लग रहा है आपकी गोद में ऑलरेडी। शिवेंद्र जी, आप तो कोई भी डॉग, ब्रीड डॉग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने देसी डॉग ही क्यों चुना? पहले बात है उनका क्लाइमेट की सबसे बड़ी बात है, वो दूसरे वेदर से आते हैं। अगर आप गोल्डन रिट्रीवर देखो, उनके लिए पूरा उनको पैम्पर करना पड़ता है, उनको फिर ठंड में रखना पड़ता है। व्हाट इज यूज ऑफ, जो हमारे देश में खुद इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दिल्ली में थोड़ा सा ये ट्रेंड है भी हमारा कि ब्रीड्स को ज्यादा लोग करते हैं, लेकर जाते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो वो चीज़ें हैं नहीं, हमें शो ऑफ के लिए चाहिए नहीं। 3 दिन पहले हमें पॉल के अडॉप्टर ने भी कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वो उसे उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे जितना उसे ज़रूरत है, तो उन्होंने कांटेक्ट करके हमें बोला कि हम अभी इसका क्या कर सकते हैं। तो हमने उन्हें बोला है कि हम 2-3 हफ्ते में ट्राई करेंगे कि हमें दिल्ली में ही कोई अडॉप्टर मिल जाए। अगर दिल्ली में नहीं मिलता है तो फिर हम जाके उसे फार्म पर लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप में से कोई दिल्ली से है और एक पपी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप peoplefarm.org/adopt पे जाइए, पॉल के लिए फॉर्म भरिए और शाइनी फिर आपको कांटेक्ट करेगी। रिसेंटली हम लता को वापस फार्म पे ले आए। हमने लास्ट टाइम इसको रिलीज किया था क्योंकि हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस रेस्क्यू लेना था। हम इसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर सकते थे, जो कि एक डोज इसका स्ट्रीट पे ही हुआ, और अब लास्ट इसका विन क्रिस्टीन का डोज बचा है जो हम यहाँ पे अभी स्पेस हो गया है तो यहाँ पे ले आए हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, एंड देन इसका स्पेस सर्जरी कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसे रिलीज कर देंगे। लता का तो यहाँ इलाज चल रहा है, पर जो इसके बच्चे हैं पेप्सी कोला फैंटा मिरिंडा कंचा, इसको हमारे टीम के कुछ लोग अपने घर पे फॉस्टर कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को इस समय हम यहाँ पे लाए हैं ताकि उनका फोटो शूट हो सके और हम उनको अडॉप्ट करा सकें। और हम आ गए योगा एरिया जहाँ हमारी मीडिया टीम के सदस्य हैं और साथ में है हमारे न्यू सदस्य। हाय बेबीज, बारी बारी हो रहा है इनका एडॉप्शन फोटोशूट, और बहुत जल्दी हम लोग इनको एडॉप्शन के लिए हमारी साइट पे लिस्ट करने वाले हैं। हे बेबीज, ये ऐसे ऐसे काम करती है और फिर लोग पूछते हैं कि इसको हम अटेंशन सीकर क्यों बोलते हैं। अब भला बताओ, कोई इस तरह से ये वो वाली जगह जहाँ पे हमारे बैल पानी पीते हैं, इनके लिए पानी स्टोर होता है, अब वहाँ पे जाके ये मोहतरमा बैठ गई हैं और फिर हमसे पूछा जाता है, ये देखो कि इसको हम अटेंशन सीकर क्यों बोलते हैं। तो तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें वही बोला जाएगा ना। हमारे पास 2 नए रेस्क्यूज आए हैं, एक आया है मंडी से, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने इसका नाम ब्रूनो रखा है, और इसको यहाँ कान के ठीक ऊपर बहुत बड़ा मैगेट वुंड है। इसके लिए मुझे मंडी से कॉल आया था, हमारे पास जगह नहीं थी लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने एक डॉग को यहाँ अडॉप्टेबल्स में शिफ्ट करके फिर इसके लिए जगह बनाई, और इसके लिए इसके जो भी कॉलर्स थे खुद ही टैक्सी वगैरह करके इसको यहाँ पे भेजा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर से आया है ये डॉग। सुबह सुबह काफ़ी एक्साइटमेंट का माहौल है क्योंकि तुषार साहिल और डॉक्टर हिमांशु दीपाला के यहाँ जा रहे हैं पुजारली नंबर 4 रोहड़ू शिमला, क्योंकि दीपाला के यहाँ बहुत सारी फीमेल डॉग्स हैं जिनको सर्जरीज की आवश्यकता है और वहाँ पे उनको लोकल मेडिकल कोई हेल्प नहीं मिल रही। तुषार वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं ताकि हम आप लोगों को दिखा पाएँ कि दीपाला अकेले वहाँ पे सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं। हमारे यहाँ से पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई टीम इतनी दूर ऑन साइट हेल्प करने जा रही हो, इनफैक्ट मीडिया से भी पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम कोई इतनी दूर की स्टोरी खुद कवर करने जा रहे हैं। हम फाइनली हमारी गाड़ी अंकुश की गाड़ी ठसा ठस भर गई है और ये लोग जा रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु ने बंद इसलिए किया, ही वाज वेटिंग फॉर चेतन नेहरू शूट। बाय द वे ये व्लॉग है पर हमने टाइम नहीं बोला, सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह सुबह तो एनिमल एरिया अलग ही दिखता है, यहाँ तो इनकी कोई सीक्रेट ही मीटिंग चल रही थी। कुछ ही घंटों पहले हमने यूट्यूब पे हमारा सोशल एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो डाला था जहाँ पे रॉबिन और शाइनी लोगों से पूछ रहे थे कि वो डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लोग किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। हम जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं, स्ट्रीट इंटरव्यू स्पेशली जो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम सबसे परमिशन मांगते हैं कि क्या हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या हम इसको पब्लिश कर सकते हैं।
तो हमने एक और, उनका नाम नहीं मेरे को याद है, लेकिन हमने उनसे भी परमिशन ली थी और हमने उनकी फ़ोटो हमारे थंबनेल के लिए यूज़ की। तो आज मुझे कॉल आया, बहुत गुस्से वाला कॉल, वीडियो को निकालो। एंड आई वाज लाइक कि सॉरी, हम वीडियो तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमने वो वीडियो की थंबनेल चेंज कर दी। एक नया रेस्क्यू आया है हमारे पास बीड से और इसका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर रुचित एंड प्रार्थना जी इसको बीड से हमारे पास लेके आए। इसके एक पाँव में थोड़ा सा खून था एंड ये अपना पीछे वाले पैर नहीं हिला पा रहा था। देयर इज अ वेट हॉस्पिटल क्लोज बाय। किसी तरह से हमने बस इसको उठा के इसको फिर वहाँ ले गए। उन्होंने इसको फर्स्ट एड दिया, पेन किलर दिया, स्टीरॉयड दिया एंड उन्होंने बोला कि हम और कुछ तो नहीं कर सकते। हमने फिर पता किया तो वी फाउंड अबाउट दिस प्लेस एंड वी डिसाइडेड ऑन, मतलब वापस जाते हुए हम इसको यहाँ छोड़ जाते हैं। आई थिंक वही बेस्ट रहेगा इसके लिए। स्पॉट भाई साहब कड़ाके की धूप में आराम से सो रहे हैं। स्पॉट एक स्पॉट हो गया, एक बेटी भी हो गई। ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। ये अभी इस डॉग का इस नाम लियो है, इसका बिस्किट चुराते हुए पकड़ी गई है और इसने जल्दी से खा लिया। इससे पहले कि मैं कैमरा ऑन करती, इसने खा के ख़त्म कर दिया। पकड़ो इस दोषी को, पकड़ो इसे, ये दूसरे डॉग्स के बिस्किट चुराती है और चेहरा देखो कैसे मासूम सा बना के रखती है। अभी कमल भाई और मैं मिलके जा रहे हैं हमारे बैक एरिया में, जहाँ हमारे लार्ज रेजिडेंट एनिमल्स रहते हैं। ये हमारे महारथी बैल जो है ये आराम फरमा रहे हैं। नैनो भाई साहब मेरे को बहुत डर लगता है यार नानो से। मुझे नहीं लगता और किसी को नहीं, ये खतरनाक थोड़ी, देखो कितना प्याला बाबू है। और ये साथ में पंखे की हवा भी खा रहे हैं हमारे बैल। वेरी नाइस। ये है हमारा बुली बुली, ये अच्छा बच्चा है ना। हाँ। ये तो हाथ लगा, मतलब इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, मारता नहीं है पर दूर रहना पसंद करता है। यार मेरे से सारे बैल गुस्सा क्यों होते हैं ना। किंग देखो, किंग सबसे प्यार है, ये ना मारता है, इसका मांस कटा देते हैं जैसे इंसान बात करते हुए अपना मांस कटा देता है। ओके कोरोना गया। किंग ने ये आंखों पे क्या पहना था? ये फ्लाई मास्क पहना था क्योंकि देखो इसकी आंखों पे मक्खियां लगती हैं दिन के टाइम, इस वजह से ये दिन के टाइम पहनता है इसे। हाय किंग, किंग हमारा संत है, संत बैल है, संत बैल साधु, मतलब इकलौता बैल है जिसका सिंग टच कर सकते हो, वरना सिंग टच करने पे तो सारे मतलब लगता है अटैक करने को जाते हैं। अरे वाह, थैंक यू कमल भाई, मेरी थोड़ी सी हिम्मत आ रही है बैलों को टच करने में। सुंदर जी यहाँ बैठे हैं, सुंदर भी बहुत प्यारा है। सुंदर से पहले विपिन से मिलो, विपिन एक कैसा बच्चा है, बहुत शैतान है, बहुत बेकार लड़का है। क्या शैतानी की इसने, मतलब अगर इसे पकड़ने की कोशिश करोगे नहीं आएगा हाथ में, ट्रीटमेंट के दौरान आपने कोशिश की है? हाँ, और भागता बहुत है। ये है सुंदर, तो सुंदर को आपको जैसे पता है कि सुंदर को कुछ दिखता नहीं है पर ये हमें सुन सकता है और ये अभी रेस्ट कर रहे हैं। कमल भाई ने बात बहुत सही करी कि हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कभी कभी हम अपनी जोन में होते हैं और हमारा मन नहीं होता कि हम ज़्यादा इंटरेक्शन करें, किसी से ज़्यादा बात करें, और वैसे आई एम श्योर कि एनिमल्स के साथ भी होता है, उन्हें कभी कभी शांति से बैठना पसंद है कि ज़्यादा कोई आके उनके साथ छेड़छाड़ ना करे। ये है हमारे उस्ताद, मारता नहीं है बट सिंह हिलाता है। ये ना ये कमल भाई ये हर बार यही बोलते हैं, ये मारता नहीं है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बी अवेयर। ये कमल भाई गुमराह करते हैं। ये हमारी दादा दीदी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये दुखी रहती हैं, पता नहीं मतलब मुझसे दुखी रहती हैं या क्यों दुखी रहती हैं। ये हमारे डॉक्टर गुलशन हैं जो आपकी सहायता करते हैं पीपल फार्म हेल्प लाइन पे। तो आपको अगर कोई भी सवाल है आपके एनिमल्स से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, ये हमेशा तत्पर रहते हैं आपके आंसर्स देने में। कौन कहता है कि हैप्पीनेस के लिए हमें कंज्यूमरिज्म की जरूरत है? हैप्पीनेस के लिए आपको चाहिए कुछ नेचर, कुछ दोस्त और कुछ तैरते हुए तरबूज। अरे कुशल कि जब हम मस्ती नहीं कर रहे होते तो हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि 2 लाख सिर्फ एक नंबर है, लेकिन हमारी पीपल फार्म फैमिली इतनी बड़ी हो गई है तो हमें बहुत खुशी होती है और साथ में बहुत सपोर्टेड फील होता है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।